में हम लोग पढ़ेंगे क्लास साइंस तो में में अपने देखेंगे, तो हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके के शेप्स की चीजें दिखेंगी कुछ चीजें जो है वो काफी ज्यादा छोटी भी हो सकती हैं कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी हो सकती हैं है ना तो अलग अलग शेप की चीजें होती हैं तो यूनिवर्स जो है ना वो बहुत सारी चीजों से बना है जैसे कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ब मेटा तो मटीरियल जो है बहुत सारा मटीरियल हमारे यूनिवर्स में और बहुत सारे मटीरियल से मिलकर के सब कुछ बना हुआ है तो जो सबसे छोटी सी यूनिट आप कह सकते हैं जिससे मिलकर के सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं उसको साइंटिस्ट ने मैटर कहा है जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं जो खाना हम लोग खाते हैं चाहे वो पत्थर हो बादल हो प्लांट हर एक चीज पानी की बूंद से लेकर के रेत के दाने तक सब कुछ क्या है मैटर है और मैटर जो है हम लोग को आसपास दिखता है है ना जो क्या क्या करता है मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास होता है मैटर जो है वो एक जगह लेता है मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि वो जगह लेता है और उसका कोई भार होता है एक मास होता है है ना तो मैटर ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास तो हम लोग कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इसके पास मास और वॉल्यूम दोनों की दोनों होती है मास एंड वॉल्यूम अब चैप्टर के देखिए इस पेज के नीचे में हमें यहाँ पर बता रखा है कि जो मास की ऐसा SI यूनिट होती है ना ये इंटरनेशनल यूनिट्स होती है कि भाई मास को हम लोग के में नापेंगे तो मास की यूनिट होती है के ठीक है और वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट होती है क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है हम लोग वैसे वॉल्यूम को लीटर में नापते हैं तो एक लीटर में वन डेसीमीटर क्यूब होते हैं ठीक है ठीके? और वन लीटर में क्या होता है थाउजेंड मिली तो वन मिली में वन सेंटीमीटर क्यूब होता है ठीक है तो आपको ये याद रखना है बस कि ऐसा SI यूनिट जो है मास की वो के होती है और ऐसा SI यूनिट जो है वॉल्यूम की वो मीटर क्यूब मीटर क्यूब वॉल्यूम की ऐसा SI यूनिट होती है ठीक है फिर आगे हमें इस चैप्टर में बता रहे हैं कि जो इंडियन फिलोसफर्स हो थे हमारे उन्होंने जो है मैटर को वो पांच पार्ट्स में क्लासिफाई किया था बेसिक एलिमेंट जो है हमारे यूनिवर्स में वो क्या क्या है पंच तत्व एयर अर्थ फायर स्काई एंड एयर ये पंच तत्व हमारे इंडिया के फिलोसोफर्स ने कहा था और इनके अकॉर्डिंग हर चीज़ चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है इन्हीं पांच बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर इसी तरीके से जो एंशियट ग्रीट फिलोस ग्रीक के भी जो फिलासफर्स थे ग्रीस में उन्हें उन्होंने भी इसी तरीके के एलिमेंट्स पाँच बताए थे उनके अकॉर्डिंग भी हर चीज़ जो है इन्हीं चीज़ों की बनी थी मगर जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि हम लोग मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो हो सकती हैं मैटर की बेस्ड ऑन देअर फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर तो उन लोगों ने क्या कहा है कि मैटर को फिजिकल और केमिकल नेचर के पे क्लासिफाई करो ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इसमें क्या बताया गया है फिजिकल नेचर देखिए फिजिकल कैमिकल का क्या अंतर है मतलब होता है आपको ऐसा समझ जाए जैसे कि आप जो दिख रहे हैं है ना आपकी जो बॉडी दिख रही है आपको ये क्या है ये तो फिजिकल है और आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं ना बहुत कुछ चल रहा है तो वो सब कुछ केमिकल होता है जो चीज बाहर दिखती है वो फिजिकल होती है और जो अंदर उसके चल रहा होता है वो केमिकल होता है ठीक है तो फिजिकल नेचर कैसा है मैटर का तो मैटर इज मेटअप ऑफ पार्टिकल्स मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिल करके बनी हुई है तो ये वाला जो है इसमें बताया गया है कि बहुत समय से ये मतलब दिक्कतें चल रही थी कि मैटर दो किस चीज से बनी हुई है मैटर कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट है मतलब मैटर की जो सारी चीजें हैं वो आपस में ऐसे ऐसे करके जुड़ी हुई हैं या फिर बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स मिले मिले हैं और वो मिल करके पार्टिकल्स अपने आप में अलग हैं मगर वो एक साथ जुड़ गए हैं और मैटर फॉर्म हुई है या फिर अलग अलग पार्टिकल्स नहीं है सिर्फ एक ही कंटिन्यूस चीज़ है तो ऐसा क्या है तो हम लोगों को एक्टिविटीज़ वगैरह जब हम करते हैं ये एक्टिविटी है कि आप पहले पानी लीजिए जिसमें बहुत सारे ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें आप लोग सॉल्ट ऐड कर दीजिए उसको मिलाइए तो सॉल्ट और वाटर का आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा तो आप पानी में अगर पानी कंटेनर्स होता उसमें कोई स्पेस ही नहीं होती जगह ही नहीं होती तो नमक कैसे मिलता तो इससे हमें समझ में आता है कि मैटर जो है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मैटर इज अप ऑफ पार्टिकल्स ठीक है इससे हमें यह समझ में आता है अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अब हमें ये समझ में आ गया कि मैटर पार्टिकल से बनी है बट हमें ये कैसे समझ आएगा कि मैटर के जो ये पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं ये चीज भी अब हमें समझनी है तो आपकी बुक में एक और एक्टिविटी दे रखी वन इसमें पोटेंशियम परमाग्नेट लेना है आपको ठीक है तो इसमें आप आप दो से तीन क्रिस्टल लेने पोटेशियम लेनेग्नेट के और उसको 100 एम के वाटर में आपको डिसॉल्व कर देना है ठीक है आपने 100 एम वाटर में दो से तीन पार्टिकल्स डिसॉल्व कर दिए अब आप इसमें से 10 एम पानी को इसमें से निकालिए और फिर एक जो दूसरा एक दूसरे जिसमें नब्बे एम पानी था एक और बीकर में आपने नब्बे एम पानी लिया और उसमें इधर वाले में से जो टेन एम निकाला था वो इसमें डाल दिया ठीक है अब फिर से आपने टेन एम ml निकाला इसमें से और इसमें नब्बे एम लिया हमने और इसमें टेन एम निकाल के नब्बे एम वाले में मिक्स कर दिया तो ये सौ एम हो गया अब इस सौ एम में से फिर से आपने क्या किया दस एम निकाला और एक और बीकर था जिसमें पहले नब्बे एम था पानी और उसमें ये वाला कलर के सोल्यूशन वाला टेन एम वाला पानी डाल दिया तो बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपने पहले एक गाढ़ा सोल्यूशन बनाया है उस सोल्यूशन को आप फिर उस थोड़ा सा उसमें से निकालिए और टेन एम के देखिए एक और बार फिर से समझ लेते हैं बढ़िया है तरीके से बहुत सारे हमने क्या करे हैं बीगड़ लिए हुए हैं ठीक है इसमें हंड्रेड एम पानी था ठीक है और हमने दो तीन बूंद, हमने इस में काम तो का एल पानी था हमने इस हंड्रेड एम के सोल्यूशन में से टेन एम लिया और इसमें डाल दिया तो इसका भी कलर थोड़ा पिंक सा हो जाएगा मगर इस वाले से हल्का पिंक होगा तो ये टोटल हंड्रेड बन गया अब इसमें से हम लोग फिर से टेन एम निकाल देंगे ठीक है तो मतलब जैसे हम लोग टेन ml एम एल कलर्ड वाले में से निकालेंगे और सिंपल वाटर में डालते जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा इसका रंग हल्का होता जाएगा तो हमें इससे पता लगता है कि जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो खुद को डिवाइड करते जाते हैं ठीक है तो इसलिए हम लोग पार्टिकल्स का साइज पता लगाना हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जो एक्सपेरिमेंट था एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है आपको सिर्फ इतना समझना है हमने जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर अगर एक क्रिस्टल है ना पोटेशियम पर का इतना सा जो मैंने डॉट बनाया है ना इसमें ही मिलियंस लाखों करोड़ों पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और वो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स खुद को छोटे छोटे में छोटे छोटे में डिवाइड करते जाते हैं इससे हम लोगों को ये समझ आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मिलियंस दे आर मिलियंस इन नंबर उनका साइज निकाल पाना भी फिलहाल हमारे लिए हमें नहीं पता लगा है कि कितने छोटे से छोटा आप डिवाइड करते जाओगे करते जाओगे मतलब अंति नहीं डिवाइड कर सकते हो ठीक है तो बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल्स में आप डिवाइड कर सकते हैं तो इससे पहले हम लोगों ने इसमें क्या देखा हमने दो तीन दो चीजें देखी है कि मैटर इज मेडअप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं ठीक है अब इसमें डिटॉल का दिया है कि आप लोग पोटेशियम पर की जगह अपने घर में डिटॉल लेकर के भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो आप देखेंगे चाहे आप कितना ही डाइल्यूट करते जाए डिटॉल को कितना ही पानी मिलाते जाए उसमें से वो स्मेल आती ही रहेगी ठीक है नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक होती हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होता है स्पेस होता है जैसे कि डिटॉल हो गया पोटेशियम परमा पर्मार्ग, हो गया ये पानी में आराम से घुल जाता है आप चाय कॉफ़ी पानी वगैरह नींबू पानी बनाते हैं कैसे बना पाते हैं क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है है ना ये पार्टिकल्स जो हैं पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन टू द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर मतलब जैसे पानी है ये पानी है सपोज करो इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तभी तो जो चीनी है इन स्पेसेस के बीच में आकर के मिल जाती है ये हमें इससे हमें पता लगता है दैट देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया पार्टिकल ऑफ मैटर का दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम ठीक है अब दूसरा करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिनली मूविंग तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं अब ये क्या है तो एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप कमरे के कोने में इंटेंस स्टिक जो होता है इंसेंस स्टिक इसका मतलब होता है धूपबत्ती आप लगाइए आप देखेंगे कि वो मूव करते करते उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे वो पूरे कमरे में खुशबू कर देंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें बताया गया है कि हम लोग अगर एक बीकर लें ठीक है एक बीकर में हमने पानी भर दिया और उसमें हम लोग क्या डालेंगे इंक यहाँ के इंक की बूंद हम यहाँ पे रख के चले जाए तो हम देखेंगे कि वो इंक की बूंद मूव करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी है ना पूरे पानी को नीला बना देगी या फिर हम लोग हनी डाल दें तो हनी भी मूव करता रहेगा मूव करता रहेगा तो इस समय क्या पता लगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली ये वाला भी यही है कि अगर हम लोग कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमाग्नेट को हम लोग एक हॉट वाटर के ग्लास में डालेंगे और एक एक तो हमने गर्म पानी में डाल दिया पोटेशियम पर मार्गनेट और एक हमने ठंडे पानी में डाल दिया तो हम लोगों को ये पता लगेगा कि जो रेट ऑफ मिक्सिंग होती है ना जो गर्म पानी था उसमें कोई भी चीज़ जल्दी घुल जाती है आप पानी गर्म करिए फिर चीनी खोलिए फटाफट घुल जाएगी और ठंडे पानी में लेट में घुलती है तो इससे हम लोगों को ये पता लगता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो तो कंटिन्यूसली मूव करता है मगर देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग मैटर का पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता रहता है दैट इज़ उनके पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी जो भी चीज़ मूव करती है ना उसके पास क्या हमें पता लगता है कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है कोई भी चीज़ चल रही है तो उस चीज में काइनेटिक एनर्जी होती है और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं ना तो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा फास्टली मूव करने लगते हैं एज द टेम्परेचर राइजेस टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाता है पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगते हैं तो एक हमारे पास बन गया विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी से मूव करने लगेंगे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे की क्लासेस में भी और इसमें भी ठीक है तो ये जो तीन एक्टिविटीज़ हमने देखी इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन विद ईच अदर मतलब अगर हम लोग चीनी को पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो वो खुद ब खुद घुल जाएगी मतलब दो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में आराम से मिक्स हो जाते हैं दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ठीक है तो एक जो है मैटर उसके बीच में स्पेस होता है तो दूसरी वाली मैटर उसके स्पेस के बीच में घुस जाती है दिस इंटरमिक्सिंग और ये जो इंटरमिक्सिंग होती है ना पार्टिकल्स की ऑफ डू टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन मतलब जो ये इंटरमिक्सिंग होती है ना खुद से खुद से ही एक पार्टिकल एक तरीके के मैटर दूसरे तरीके के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में चला जाता है इसी चीज़ को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं और हमने ऑब्जर्व किया है हीट करने पर जो डिफ्यूजन होता है वो फास्ट हो जाता है क्यों क्योंकि जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर जाने लगते हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है और इसकी हेल्प से उसमें क्या है डिफ्यूजन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है ठीक है तो डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है थर्ड पॉइंट आता है पहले हमने कैरेक्टिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में क्या क्या देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्टिविटी में कि अब अगर हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेंगे तो हम लोग क्या है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे जैसे हम लोग कस के हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ना मुश्किल होगा अगर हम लोग सिर्फ उंगली उंगली एक दूसरे की टच करेंगे तो छोड़ना हम एक दूसरे को ईजी हो जाएगा है ना फिर एक सेकेंड एक्टिविटी है आ, कि अगर हम लोग एक लोहे का लोहे की आयरन लें लोहे की कील लें या एक चौक का पीस ले या फिर एक रबर बैंड लें और इसको हम लोग काट दें हैमर कर दें मतलब किसी तरीके से हम लोग खींच दें तो हमें कैसे पता लगेगा ये आ, कि किस की कि फोर्स एक दूसरे के प्रति ज़्यादा है और किसकी कम है तो मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट किसने कर रखा होगा आयरन के नेल ने है ना लोहे की कील को तोड़ना मुश्किल होता है चौक का जो पीस है वो तो आसानी से टूट जाता है और अपर पैंट भी थोड़ा कम देर से टूटेगा अगर वो अच्छा वाला होगा है ना तो जो जल्दी ब्रेक हो जाएगा उसका क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और जो लेट में टूटेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा है ना तो अब हमें अब ये है कि पानी लेना है हमें कंटेनर में और हमें क्या करना इंपॉर्टेंट न कंटेनर ट्राई कटिंग द सफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर मतलब आप एक बाल्टी में पानी लीजिए और अपनी उंगली डाल दीजिए तो क्या आपकी उंगली पानी को रोक पाती है एक जगह से दूसरे के जाने में नहीं रोक पाती ना तो इसलिए हमें यही समझ आता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा है उनके बीच में ताकि वो आराम से बह पा रहा है तो इससे तीन एक्टिविटीज से हमें समझ में आता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के हैव फोर्स एक्टिंग ऑन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स है ना उन पर एक फोर्स लग रही है मैटर के पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही है और ये फोर्स उनको साथ रखती है द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर देखो फोर्स तो हर मैटर पे हर मैटर का पार्टिकल एक एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल दूसरे के पे फोर्स, तो फोर्स, मतलब फोर्स अट्रैक्शन क्या है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और चौक का क्या है कंपेरेटिवली वीक है, है ना तो हर मैटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है तो हम लोगों ने इस, इसका जो पार्ट